नमस्कार, मैं हूं दिव्या बिहारी, न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रोफेसर बनने की चाह रखने वालों के लिए अहम खबर, CUSB ने भर्ती के लिए निकाली अधिसूचना, 23 नवंबर है आवेदन करने की अंतिम तारीख। पैक्स चुनाव के लिए 19,478 मतदान केंद्र हुए चिन्हित, पहले चरण के लिए 11 नवंबर से शुरू होगा नामांकन, 19 नवंबर तक वापस लिए जा सकेंगे नामांकन। पुलिस कर्मियों के तबादले का सिलसिला जारी, 2 IPS और 9 DSP रैंक के अधिकारी का तबादला, अपराध अनुसंधान में सहायक पुलिस अधीक्षक बनी दीक्षा। पिछले 5 दिनों से नहीं खुल रहा स्मार्ट मीटर, पटना के लाखों उपभोक्ता हुए परेशान, बिजली विभाग ने बैलेंस खत्म होने पर नहीं कटेगी बिजली का दिया आश्वासन। ईशान किशन को लगा बड़ा झटका, मुंबई इंडियंस के रिटर्न लिस्ट से हुए बाहर, हालिया प्रदर्शन में थी निरंतरता की कमी। चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। दिवाली की आतिशबाजी से बिहार के कई जिलों का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI बहुत खराब हो गया है। कई जगहों पर AQI 300 से ऊपर पहुंच गया, खासकर हाजीपुर, पूर्णिया, अररिया और पटना में। हालांकि सुबह होते होते ही स्थिति में सुधार देखने को मिली है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार कुछ जिलों में AQI 100 के करीब है, जो सामान्य माना जाता है। दिवाली की रात पूर्णिया का AQI 305 और हाजीपुर का 288 दर्ज किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि पछुआ के कारण न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे गिरावट आएगी, लेकिन दिन में धूप से मौसम सामान्य रहेगा। सर्दी आने में थोड़ा समय लगेगा, जब पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे। प्रोफेसर बनने की चाह रखने वालों के लिए ये खबर महत्वपूर्ण है। दरअसल दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी CUSB में भर्ती की अधिसूचना जारी हुई है। ये भर्ती प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 26 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 23 नवम्बर 2024 है। कुल 30 पदों में 6 प्रोफेसर, 10 एसोसिएट प्रोफेसर और 14 असिस्टेंट प्रोफेसर के पद शामिल है। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 2,000 रुपए, जबकि SC/ST उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क निःशुल्क है। अधिक जानकारी के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.cusb.ac.in पर जा सकते हैं। दिवाली के दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को अन्नकूट और गोवर्धन पूजा की परंपरा है, जो भगवान कृष्ण की पूजा का एक महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन गोवर्धन पर्वत और गाय की पूजा की जाती है। मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन की पूजा करवाई थी और जब व्रत जलमग्न हुआ तो गोवर्धन पर्वत को उठाकर लोगों की रक्षा की थी। इस वर्ष गोवर्धन पूजा 2 नवंबर को मनाई जाएगी। इस दिन घरों में अन्नकूट का भोग बनाया जाता है और गाय के गोबर से गोवर्धन की प्रतिमा बनाई जाती है। पूजा के दौरान श्रद्धालु स्नान कर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, फिर गोवर्धन महाराज को भोग अर्पित करते हैं और आरती करते हैं। हालांकि अलग अलग क्षेत्र में पूजा करने का तरीका इससे अलग हो सकता है। हमने जो बातें बताई हैं वो धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक थी। स्पष्ट और सटीक जानकारी के लिए आप संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ से सलाह ले सकते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC 70वीं एकीकृत संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा CC 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन 4 नवंबर को बंद होगा। इच्छुक उम्मीदवार bpsc.bih.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं। पहले रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 18 अक्टूबर थी, जिसे बढ़ा दिया गया है। BPSC 70वीं CCE प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर 2024 को आयोजित होगी। आवेदन के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in पर जाना होगा। नए उम्मीदवारों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा, जबकि मौजूदा उम्मीदवार लॉग इन करके आवेदन पत्र भर सकते हैं। आवेदन शुल्क सामान्य श्रेणी के लिए 600 रुपए और बिहार के SC/ST महिलाओं और विकलांग उम्मीदवारों के लिए 150 रुपए है। परीक्षा के लिए स्नातक डिग्री अनिवार्य है। बिहार सरकार ने बाढ़ की समस्या के समाधान और विकास के लिए केंद्र से मदद मांगी है। बुधवार को नीति आयोग की सलाहकार समिति की बैठक में मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने बांधों के निर्माण, नहरों के पुनर्जीवन और बाढ़ प्रबंधन में सहयोग की आवश्यकता जताई है। उन्होंने बताया कि बिहार की विकास दर 11% है, जो राष्ट्रीय औसत से 4% अधिक है। सरकार ने ग्रामीण सड़कों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता और हाई स्कूलों के निर्माण की मांग की है। इसके अलावा गया, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में मेट्रो परियोजनाओं,
पूर्णिया और भागलपुर में हवाई अड्डों और औद्योगिक नोड्स की स्थापना में मदद की अपील की है। बैठक में अन्य राज्यों की विकास स्थिति पर भी चर्चा की गई थी। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने पैक्स चुनाव के लिए 19,478 मतदान केंद्र चिन्हित किए हैं, जबकि 531 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। आपको बता दें कि 6,382 पैक्सों में 5 चरणों में चुनाव होगा। पहले चरण का मतदान 26 नवंबर को, दूसरे का 27 नवंबर को, तीसरे का 29 नवंबर को, चौथे का 1 दिसंबर और पांचवें का 3 दिसंबर को चुनाव होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम के 4:30 बजे तक होगा, जबकि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ये सुबह 7 बजे से दोपहर के 3 बजे तक होगा। पहले चरण के लिए नामांकन 11 नवंबर से शुरू होंगे और 19 नवंबर तक वापस लिए जा सकेंगे। सभी चरणों के लिए अलग अलग नामांकन तिथियां निर्धारित की गई हैं। मतगणना चुनाव समाप्त होते ही उसी दिन या उसके अगले दिन से करने शुरू कर दिए जाएंगे। पटना में लाखों लोग बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप के नहीं खुलने से परेशान हैं। पिछले 5 दिनों से ऐप नहीं खुल रहा, जिससे उपभोक्ता रिचार्ज और बैलेंस चेक नहीं कर पा रहे हैं। कई बिजली उपभोक्ताओं को इस बात का डर है कि अगर रिचार्ज नहीं हुआ तो बिजली कट सकती है। बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ऐप को ठीक करने की कोशिश की जा रही है और बैलेंस खत्म होने पर भी बिजली नहीं कटेगी। हालांकि विभाग ने अभी तक उपभोक्ताओं के लिए कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं की है। ग्राहक सहायता नंबर 1912 पर भी कोई जानकारी नहीं मिल रही है, जिससे लोग चिंतित हैं। विपक्षी दलों ने स्मार्ट मीटर के खिलाफ आंदोलन भी तेज कर दिए हैं। बिहार के गृह विभाग में पुलिस कर्मियों के लगातार ट्रांसफर पोस्टिंग देखने को मिल रहे हैं। दिवाली के दिन गृह विभाग ने 2 आईपीएस अधिकारियों सहित 9 डीएसपी रैंक के अधिकारियों का ट्रांसफर किया है। अधिसूचना के अनुसार मुजफ्फरपुर के नगर सहायक पुलिस अधीक्षक आईपीएस भानु प्रताप सिंह को दानापुर का एसडीपीओ नियुक्त किया गया है, जबकि दानापुर की एसडीपीओ आईपीएस दीक्षा को पटना के अपराध अनुसंधान विभाग में सहायक पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। इसके अलावा 9 डीएसपी का भी तबादला हुआ है और 2 को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। बिहार सरकार ने शिक्षकों के लिए एक नई स्थानांतरण नीति जारी की है, जिसका दावा है कि इससे लगभग 5 लाख शिक्षकों को लाभ होगा। इस नीति के तहत गंभीर बीमारी, मानसिक समस्याओं, अविवाहित महिलाओं और विधवाओं को प्राथमिकता मिलेगी। हालांकि कई शिक्षक इस नीति को लेकर असंतुष्ट हैं और सवाल कर रहे हैं कि ये उनके हित में कैसे है। शिक्षक संघों ने इसे त्रुटिपूर्ण बताते हुए आरोप लगाया है कि इससे शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होगी और भ्रष्टाचार बढ़ेगा। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस नीति पर पुनर्विचार किया जाए, अन्यथा वे आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। फर्जी आईपीएस मिथिलेश मांझी की पहचान अब सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गई। यूट्यूब पर कई वीडियो एल्बम भी इसने पोस्ट किए हैं। हाल ही में लखीसराय पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसमें उसे रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए ठगने का आरोप लगाया गया है। ठगी का शिकार हुए विमल मांझी ने बताया कि मिथिलेश ने उससे 90,000 रुपए लिए और रेलवे में गार्ड की नौकरी दिलाने का वादा किया था। मिथिलेश ने अपने रिश्तेदारों से भी पैसे लिए। कुल 12 युवकों से उसने 1,95,000 रुपए ठगे हैं। 20 सितंबर को जमुई पुलिस ने उसे फर्जी आईपीएस वर्दी में गिरफ्तार किया था। अब वो डॉक्टर बनने और गायक बनने का सपना भी देख रहा है। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट बिहट्टा में खुल गया है, जिसका उद्घाटन 21 अक्टूबर को उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने किया था। ये पोर्ट बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को विदेशों से में सामान भेजने में मदद करेगा। प्रिस्टीन मगध इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित इस ड्राई पोर्ट में 4 प्रकार के कंटेनर उपलब्ध हैं और इससे 250 लोगों को रोजगार मिला है। ये पोर्ट नवम्बर के 2 सप्ताह में पूरी तरह से शुरू होगा, जिससे बिहार का आयात निर्यात 0.5% से 10% तक बढ़ने की उम्मीद है। किसानों और व्यापारियों को अब अपने उत्पाद जैसे मखाना, लेदर और सब्जियां सीधे निर्यात करने में सुविधा मिलेगी, जिससे उनके लिए व्यापार करना आसान होगा। दिवंगत शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब के आर्जेडी में शामिल होने के बाद खूब सियासत देखने को मिल रही है। जदयू और बीजेपी ने राजद पर हमला बोला है। वहीं एआईएमआईएम के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने भी आरोप लगाया कि राजद के पास कोई मुस्लिम चेहरा नहीं है। उन्होंने कहा कि उसामा की सदस्यता लेने से पहले राजद ने अपनी कमजोरी समझ ली है। ईमान ने साहबुद्दीन के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी पत्नी हिना साहब को चुनाव में हराने में राजद ने भूमिका निभाई है। उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम समुदाय का राजनीतिक उपयोग किया जाता है, लेकिन चुनाव के बाद उन्हें भुला दिया जाता है, जिससे उन्हें धोखा मिलता है।
नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के पूर्व अध्यक्ष और मोदी सरकार में मंत्री रहे आरसीपी सिंह ने दिवाली के मौके पर अपनी नई पार्टी आप सबकी आवाज यानी आशा की घोषणा की है। इस पर बिहार में सियासत तेज हो गई है। जदयू के प्रवक्ता अरविंद निषाद ने आरसीपी को फ्यूज बल्ब करार देते हुए कहा कि उनकी राजनीतिक स्थिति अब बेकार हो गई है। उन्होंने मजाक में कहा कि कोई भी दिवाली पर फ्यूज बल्ब नहीं लगाता है बल्कि नए बल्ब लगाता है। आईपीएल के लिए सभी टीमों ने अपने रिटर्न खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी है, जहां बिहार के सनकसन को बड़ा झटका लगा है। उन्हें मुंबई इंडियंस की रिटर्न लिस्ट में बाहर कर दिया गया है, जबकि दो साल पहले उन्हें 15.25 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। सनकसन लंबे समय से भारतीय टीम से भी बाहर चल रहे हैं। अब उन्हें मेगा ऑक्शन में शामिल होना होगा, लेकिन उम्मीद नहीं है कि कोई फ्रेंचाइजी उन्हें बड़े पैमाने पर खरीदेगी। उनके हालिया प्रदर्शन में निरंतरता की कमी रही है, जिससे फ्रेंचाइजी उन्हें करीब 6 करोड़ रुपए में खरीदने को तैयार हो सकती है। ईशान ने आईपीएल में 105 मैचों में 2644 रन बनाए हैं। बिहार में आज 1 नवंबर को पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल की कीमत में 6 पैसे और डीजल में 20 पैसे की वृद्धि हुई है। वर्तमान में बिहार में पेट्रोल 106.94 रुपए है और डीजल 93.60 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। पटना में पेट्रोल 105.34 रुपए और डीजल 92.19 रुपए है। अन्य शहरों में पेट्रोल की कीमत की बात करें तो सिवान में 106.45 रुपए है, पूर्णिया में 106.77 रुपए, औरंगाबाद में 106.35 रुपए है। डीजल की कीमतों की बात करें तो गया में 92.70 रुपए है, दरभंगा में 92.83 रुपए है, किशनगंज में 93.80 रुपए है। पेट्रोल और डीजल के दाम एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और राज्य वैट के आधार पर तय होते हैं, जिससे कीमतें अलग अलग होती हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जिनके नाम है रवि कुमार गुप्ता, अर्जुन राम, मुन्ना प्रसाद, कमल राज नौसाद, राजा कुश कुमार यादव, जितेंद्र ठाकुर, मनीष कुमार, नंद कुमार सिंह, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, रवि मोहन वर्मा, शशि कुमार, राकेश यादव, मोहम्मद साकिर हुसैन, कुंदन कुमार, गोनर शर्मा, जयप्रकाश राम, छोटू राजा, संजीव कुमार, बाबूलाल मरांडी, राकेश मिश्रा, रवि कुमार राम। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके क्षेत्र में भी स्मार्ट मीटर से जुड़ी परेशानी आ रही है। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।